वी वर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशोज फर्म की परफॉर्मेंस फर्म का फाइनेंशियल प्लान इस पूरे परस्पेक्टिव को जब हम देखते हैं तो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि आप एक और बहुत अहम कॉन्सेप्ट को भी कंसिडर करें एंड दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट सो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या होता है इसको डिस्कस करने से पहले इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि वर्किंग कैपिटल क्या है सो वर्किंग कैपिटल बेसिकली इज द डिफ्रेंस बिटवीन द करंट एसेट्स एंड द करंट लाइबिलिटीज आपके जो करंट एसेट्स हैं और जो करंट लाइबिलिटीज हैं इन दोनों को आप अकाउंट फॉर करके करंट लाइबिलिटीज को करंट एसेट्स में से ट्रैक्ट कर देंगे तो जो अमाउंट आपके पास बचेगी दैट इज योर वर्किंग कैपिटल अब ये जो वर्किंग कैपिटल है दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल और इसको इफेक्टिवली मैनेज करना है कि आपके पास आप अगर बहुत ज़्यादा पैसे अपने पास रखेंगे कैश के फॉर्म में तो आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा नहीं पाएंगे उससे क्या नुकसान होगा कि आपने विदहोल्ड किया हुआ कैश सपोज़ अगर ज़रूरत से ज़्यादा तो वो कैश आपको कुछ कमा नहीं कमा के नहीं दे रहा लेकिन आप उसी कैश को अगर स्पेंड कर देंगे कि आपने उससे कोई रॉ मटेरियल बाय कर ली आपने उसको इन्वेस्ट कर दिया है और उससे आप इनकम जनरेट कर रहे हो प्रॉफिट्स जनरेट कर रहे हो तो उससे नुकसान क्या होगा कि आपको जो डे टू डे एक्सपेंसेस बियर करने हैं आपको किसी को पेमेंट करनी है आपने हमने सारी जो कैश है उसको इन्वेस्ट कर दिया तो sort of payments, है तो यू विल नॉट बी एबल टू मेक एनी सॉर्ट ऑफ पेमेंट्स जो इमीजिएट पेमेंट्स हैं आपने कोई बिल अदा करने हैं वो नहीं आपके पास पैसा नहीं है आपने सारा कैश जो भी आपके पास था उसको आपने इन्वेस्ट कर दिया या कहीं आपने उसको किसी ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है कि जहाँ से रेडी कैश आपके पास अवेलेबल नहीं हो सकती तो दिस इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन के मैं कितना इन्वेस्ट करूँ और कितना कैश के फॉर्म में मेरे पास होना चाहिए एक सर्टन पॉइंट इन टाइम के ऊपर ये ये फैसला साजी को हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट बोलते हैं तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को ज़्यादा बेहतर तौर पर एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये डायग्राम उठाया है इन्वेस्टोपीडिया से सो यू कैन हैव एन आइडिया बाई लुकिंग एट दिस पर्टिकुलर थिंग वर्किंग कैपिटल होता क्या है और फिर हम डिस्कस करेंगे कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कैसे की जा सकती है क्योंकि ये एक अहम एस्पेक्ट है कि आपने बेसिकली अपने पास करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़ कितना विधहोल करना है ताकि आपके जो डे टू डे एक्सपेंसिस हैं वो आप फुलफिल कर सकें उसके साथ लेकिन एट द सेम टाइम आप नुकसान नहीं उठाएँ कि आपके पास ज़्यादा कैश है तो वो जितना कैश आप अपने पास विधहोल करेंगे वही आपको अर्निंग्स नहीं लेके दे रहा तो दैट इज़ एन अदर दैट इज द ट्रिकी पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट तो इफ़ वी लुक एट दिस डायग्राम यू कैन सी दैट हमारे पास करंट एसेट्स डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकते हैं इट कैन बी द प्रॉपर्टी इट कैन बी द इन्वेंट्री जो आपने प्रोडक्शन uh, करके रखी हुई है और इट कैन बी द कैश जिसकी मैं अभी बात कर रही थी तो ये तीनों फॉर्म्स आपके करंट एसेट्स के डिफरेंट टाइप्स है करंट लाइबिलिटीज़ का मतलब है कि आपने जो अमला रखा हुआ है उसको आपने तनख्वाहें देनी है आप जिस प्रोडक्शन हाउस में बैठे हुए हैं या आपने कारखाने को जगह जिगा, जिस जगह पे बनाया है आपने उसका रेंट देना है फिर आपने कोई यूटिलिटीज़ के कोई जायरा बिजली का बिल और पानी का बिल और ये तमाम यूटिलिटीज़ को पे करना है और एट द सेम टाइम यू विल हैव टू पे द टैक्सेस तो ये आपके करंट लाइबिलिटीज़ हैं तो जब हम करंट एसेट्स को करंट लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटीज़ को करंट एसेट्स में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास जो चीज़ें बचती हैं दे इट कैन बी कैश इट कैन बी द शॉर्ट टर्म डेट इट कैन बी द इन्वेंट्री इट कैन बी सम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ये तमाम डिफरेंट फॉर्म्स जो आपके पास मौजूद हैं वर्किंग करंट लाइबिलिटीज़ को करंट एसेट से सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आपको अवेलेबल होती है दैट इज़ योर वर्किंग कैपिटल सो वर्किंग कैपिटल की मैनेजमेंट इज अ कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम उसको कैसे ज़्यादा बेहतर तौर पे मैनेज कर सकते हैं इस वर्किंग कैपिटल को क्योंकि मैंने आपको बोला कि जितना आप अपना पैसा विद होल्ट अपने पास रख लेते हैं उतना आपको वो चूँकि कमा के नहीं दे रहा इसलिए उसका आपको नुकसान हो रहा है लेकिन आपके पास पैसे नहीं है डे टू डे एक्सपेंसेस को बियर करने के वास्ते आपके यूटिलिटीज़ को पे करने के लिए आपकी तनख्वाहें देने के लिए तो फिर अगैन

जिसमें हम इंश्योर करते हैं कि कंपनी एफिशिएंटली ऑपरेट कर रही हो यानी कि दोनों चीज़ें उसकी पूरी हो रही हैं कि आपके जो करंट लाइबिलिटीज़ हैं उनके एक्सपेंसेस आप बियर कर रहे हैं राइट इतना आपके पास सफिशिएंट आपके पास रिजर्व्स होने चाहिए एसेट्स होने चाहिए और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आ, कितने बेहतर तौर पर आप इन दोनों चीज़ों को मैनेज करेंगे दैट इज़ बेसिकली द क्वेश्चन ऑफ़ वी आंसर

आपकी अर्निंग एसेट्स के ऊपर आप पैसा खर्च करें लेकिन कोई भी ऐसी आइडल कैश आपके पास ना पड़ी रह जाए जिससे आप पैसा कमा सकते थे और आप नहीं कमा पाए सो वेन यू हैव टू कंसिडर किन हेड्स के ऊपर इमीजिएट पेमेंट है किन हेड्स के ऊपर पेमेंट डिले हो सकती है इन तमाम चीज़ों को बहुत नाइसली एफ़िशंटली देख के आप अपने वर्किंग कैपिटल को मैनेज करते हैं जब हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो उसमें एक और बहुत अहम कॉन्सेप्ट को हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ द कैश साइकिल टाइम सो कैश साइकिल टाइम का मतलब है कि आपने कैश को इन्वेंट्री में कन्वर्ट कराए और वो इन्वेंट्री फिर सेल्स में चली गई और वहाँ से जब आपका सामान बिका तो आपके पास वापस कैश आया इस पूरे सिलसिले में ये पूरे साइकिल को परफॉर्म करने में कितने दिन लगे हैं सो so, इस इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को हम नंबर ऑफ डेज़ में असेस करते हैं तो जब हम वर्किंग कैपिटल मैनेज मैनेजमेंट की बात करते हैं तो वी डू टेक इन टू अकाउंट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कैश साइकिल टाइम विच इज़ माइर्ड इन टर्म्स ऑफ डेज कि जिसमें मैंने अभी आपको बताया कि आपके पास कैश थी आपने उससे जो भी आपने मैन्युफैक्चर करना था या कोई आप सप्लाई करते हैं सिर्फ तो आपने उससे उस कैश को इन्वेंट्री में कन्वर्ट किया वो इन्वेंट्री आपकी सेल्स में कन्वर्ट हुई सेल्स से आपको रिसीट्स आएंगे और जिस दिन आपको वापस आपका कैश मिलेगा इन दोनों पॉइंट्स के गैप को हम बोलते हैं ये कैश साइकिल टाइम है तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के थ्रू आप अपने कैश साइकिल टाइम को मैनेज करते हैं और कैश साइकिल टाइम आपका कम अज़ कम होगा तो उतना ज़्यादा एफिशिएंटली आप अपने वर्किंग कैपिटल को मैनेज कर रहे हैं सो दिस इज द फॉर्मूला विच वी यूज फॉर द कैश साइकिल टाइम इज दैट यू नीड टू टेक इन टू अकाउंट द इन्वेंट्री पीरियड यू विल हैव टू टेक इन टू अकाउंट द रिसीवेबल रिसीवेबल्स पीरियड और फिर आपने पेएबल्स पीरियड कितने दिन लगेंगे वो काउंट करना है और फिर आपने पेएबल पीरियड को सब्ट्रैक्ट कर देना है फ्रॉम द सम ऑफ इन्वेंट्री पीरियड एंड रिसीवेबल्स पीरियड तो इन्वेंट्री पीरियड और रिसीवेबल्स पीरियड को जमा करके आपने उसमें से एक पेएबल पीरियड को निकाल देना है तो आपके पास जो नंबर ऑफ डेज आएंगे दैट वुड बी द कैश साइकिल टाइम एंड दिस इज़ एन इंडिकेटर दैट हेल्प्स आस इन हैविंग एन आइडिया कि आपका जो वर्किंग कैपिटल है वो कैसे मैनेज हो रहा है सो दिस इंडिकेट्स द ओवरऑल के नेचुरली जितना कट होगा छोटा होगा आपका कैश साइकिल टाइम उतना ही आप ज़्यादा एफिशिएंट कहलाते हैं